गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजीता पठारे और हाजिर हूं आज की न्यूज इन माय प्लेट की खबरों के साथ। तो शुरू करने से पहले पीते हैं चाय की एक चुस्की और फिर स्टार्ट करते हैं आज की खबरें वो भी फटाफट। आज की पहली न्यूज है तूफान फानी का मंडराता काला साया, 323 ट्रेनें रद्द। अत्यंत गंभीर चक्रवर्ती तूफान फानी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 81 टीमों को तैनात किया गया है। चेन्नई से कोलकाता रूट पर चलने वाली करीब 223 ट्रेनें रद्द कर दी गई है 4 मई तक। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे तक ओडिशा से भुवनेश्वर की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। बहुत ही गंभीर और बहुत ही अत्यंत मतलब दुख के हालात हो सकते बन सकते हैं, लेकिन सरकार ने इससे निपटने के लिए भी तैयारी कर रखी है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। क्या राजनीति में आ गई है करीना कपूर? जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर करीना कपूर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें करीना के गले में भगवा रंग का एक दुपट्टा है, तैमूर भी भगवा टी शर्ट में है और उस पे लिखा है नमो अगेन। दावा किया जा रहा है कि करीना कपूर खान ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दरअसल ये सारी अटकलें हैं, ये तो कमाल है फोटोशॉप का। फोटोशॉप से कुछ भी किया जा सकता है। करीना कपूर भाजपा कांग्रेस कहीं भी नहीं जा रही है, वे सिर्फ अपने फिल्मी करियर से संतुष्ट है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षय कुमार पर क्यों मेहरबान है मोदी सरकार? पहले पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और अब नमो टीवी पर फिल्में दिखाने की मांग। जी हाँ, अब अक्की की फिल्में नमो टीवी पर दिखाने की मांग की जा रही है। दरअसल भाजपा ने नमो टीवी पर पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा का प्रसारण करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयोग से इजाजत मांगी है। अब देखते हैं कि क्या इन्हें इजाजत मिलती है इस चीज की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक को बचाने में डूबा पूरा परिवार, एक बच्चे के लिए 8 लोग डूब गए पानी में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ग्राम टिकरी के पास काली सिंध नदी में दो परिवार थे, वे गए थे पिकनिक मनाने। बच्चे और महिलाएं शामिल थे, सिर्फ इस परिवार में वे ही गए थे अपने बच्चों को लेकर। लेकिन उसी दौरान एक बच्चा डूब गया। अब उस बच्चे को बचाने के लिए परिवार की महिलाओं ने छलांग लगा दी नदी में। इससे हुआ ये कि बच्चा तो गया ही, पर उसके साथ साथ जाने और गई। कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई है एक बच्चे को बचाने के चक्कर में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना के बुर्के की मांग पर बोले गीतकार जावेद अख्तर। उन्होंने कहा, जब बुर्के पर बैन की मांग की जा रही है तो फिर घूंघट को क्यों छोड़ा जा रहा है? घूंघट पर भी रोक लगानी चाहिए। वैसे आपने सही कहा है जावेद साहब, यदि बुर्के के आड़ में आकर आतंकी बड़ा कोई धमाका कर सकते हैं तो फिर घूंघट का भी सहारा लिया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाईलैंड के 66 साल के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से रचाई चौथी शादी। पहले से है 7 बच्चे उनके। वॉजी रोल्गोकॉन ने अपने निजी सुरक्षा गार्ड की डिप्टी कमांडर से शादी कर ली है। 66 साल के वॉजी रोल्गोकॉन को उनके पिता भूमि बोल की अक्टूबर 2016 में हुई मौत के बाद गद्दी सौंपी गई थी। इसके बाद ही घोषणा हुई थी और अब वे चर्चा में हैं अपनी चौथी शादी को लेकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14,000 के नोट खा गया एक कुत्ता। जी हाँ, और निकालने के लिए लगे 12,000 रुपए। इंग्लैंड के वेक्स में 9 साल का एक कुत्ता अपने मालिक के 160 पाउंड यानी करीब 14,000 के नोट खा गया। जब कुत्ता अकेला था तो वो सारे नोट को खा गया, लेकिन जब मालिक घर पहुंचे तो उन्होंने कटे फटे नोटों की हालत देखी और फिर उन्हें पता हुआ कि कुत्ता नोट खा चुका है। इसके बाद मालिक उन्हें लेकर कुत्ते को लेकर अस्पताल गए, जहाँ आया 12,000
अच्छा ये है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। नक्सली हमले की तुलना में सीआरपीएफ के 15 गुना जवान हार्ट अटैक, मलेरिया, आत्महत्या और अन्य कारणों से मरते हैं, इस बात का एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और इस बात की ओर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ आतंकी घटनाओं से नहीं, अन्य कारणों से भी खतरे में हैं हमारे जवान। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। हमारी अगली खबर है, ये खबर उनके लिए है जो न्यूज़ में विश्वास रखते हैं। देश भर की मीडिया 19 मई को दिखाएगी चुनाव के ओपिनियन पोल। वैसे इसके परिणाम तो 23 मई को आने वाले हैं, लेकिन 19 मई से ही शुरू हो जाएंगे चुनाव के ओपिनियन पोल। तो एमएस न्यूज एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आ रहा है चुनाव के सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल, वो भी लाइव। तो 19 मई 2019 को शाम 6 बजे से रहिए लाइव मेरे यानी रंजिता पठाड़े और मेरी सहयोगी के साथ। तो देखना ना भूले एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव पर। हमारी आज की अंतिम खबर है खेल से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 के बीच मैच खेला जाएगा। तो टीवी का रिमोट थाम के बैठिए और मैच एंजॉय कीजिए। ये थी हमारी आज की न्यूज़ इन माय प्लेट की 10 खबरें। दिन भर बने रहिए एनएस न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ। शाम को मिलते हैं ब्रेकिंग इन माय प्लेट में, तब तक के लिए बाय।